हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विथ वन मोर वीडियो ऑफ मारुति ब्रीजा BS6। इस गाड़ी के अंदर मैंने लॉकडाउन के टाइम पे इसके अंदर मैंने अनअप्रूव किट लगाया था और वो गाड़ी इन्होंने काफ़ी टाइम चलाया इन्होंने, और चलने के बाद उसमें तो RC पे चढ़ेगी नहीं, तो इस पे जो है मैंने फ्रेश किट लगा के दिया विथ ऑल एसेसरीज। अब ये RC पे चढ़ जाएगी। उस टाइम मैंने इनको कहा भी था कि जो किट मैं अभी लगा रहा हूँ भाई, वो RC पे नहीं चढ़ेगी, ध्यान रखना। मैंने इनको किट नहीं, सिलेंडर पुराना लगा के कम खर्चे में लगा के दिया था, और अब जो है इसके अंदर सारी किट उतार के ये किट उनको दे दिया मैंने। ये किसी और गाड़ी में लग जाएगा इनका, और अब मैंने फ्रेश किट लगाया ताकि इनकी RC पे चढ़ जाए। और जो किट लगाया मैंने अपने इंडस्ट्री का सबसे टॉप का किट लगाया, दिस इज़ लवेटो COVD2 BS6। ये इसका मेटालिक ECM है 48 पिन का, लवेटो COVD2 का। और इसके अंदर जो रिड्यूसर आता है आपका सिंगल स्टेज का आता है BS6 में, और ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। और ये इसका मैप सेंसर बेस फिल्टर है जो कि केवल COVD2 में आता है। ये आपका फ़िल्टर का भी काम करेगा और मैप सेंसर का भी काम करेगा। और ये इंजेक्टर है जहाँ से आपकी गैस फाइनली पम्प हो रहा है इंजन में। अब इसमें एक्स्ट्रा जो मैंने काम किया है आपका जो है, ये कपलर टू कपलर वायरिंग किया है इंजेक्टर्स का, ये सारा सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है चारों इंजेक्टर्स में। और इसके अंदर जो है मैंने कूलेंट कनेक्शन करके दिया आपका, ये यहाँ से आपका सोर्स लिया, एक इनलेट एक आउटलेट, ये आपका ये रिड्यूसर में घूम रहा है पानी। तीसरा इसके अंदर जो मैंने काम करके दिया आपका, डायनेमिक एडवांसर लगाया। वैसे इनके पिछली किट में मैंने नॉर्मल एडवांसर लगाया था, लेकिन भैया का ये था कि भाई और बेटर और बेटर, तो पहले जो किट लगाया था वो बेसिकली सस्ती किट थी। अभी तो हमने इंडस्ट्री का सबसे महंगी किट लगा के दिया हमने, तो इसके अंदर हमने डायनेमिक एडवांसर भी लगा दिया ताकि इनको कहीं भी किसी भी गियर में वो फील ना आए, कहीं कोई जर्क ना हो, कहीं कोई लैग ना हो। और अब इनसे पूछूंगा कि पहले किट में जो है इनकी जो है पहले गाड़ी कैसी चलती थी, और अब जो हमने इतनी अच्छी किट लगाया, अभी डायनेमिक एडवांसर लगाया, पहले का और अभी में क्या फ़र्क है। अब इसमें जो वायरिंग भी मैंने जो करके दिया है आपकी ECM और डायनेमिक एडवांसर से, ये जो वायरिंग जा रहा है ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द वायरिंग, सुपर, दिस इज़ द क्वालिटी। नीचे वाला आप ये देखेंगे, ये मारुति ने दे रखा है, और सेम वैसे ही हमने ऊपर दे रखा है। सारा काम करके दिया दिल से, मज़ा आ जाएगा भाई गाड़ी चला के। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये गाड़ी पेट्रोल से भी बढ़िया चलेगी। दिस आई एम टेकिंग दिस चैलेंज बिफोर इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन आल्सो। अब इसको एक बार CNG पंप ले जाएंगे, सेटिंग करने के बाद ट्रायल लेते हैं और पूछते हैं भाई गाड़ी कैसी चल रही है। इसके अंदर मैंने आपका आगे भी फिलिंग दे रखा है और यहाँ साइड में भी दे रखा, आइए दिखाता हूँ। इसके अंदर जो है मारुति में जेन्युइन जो कंपनी फिटेड वाल्व आता है, वह कंपनी का मेड इन जर्मनी, वो लगा के दिया हमने। अब ये आगे से भी वहाँ डलवा सकते हैं और यहाँ साइड से भी। और इसमें जो सिलेंडर हमने लगाया, 14 kg का सिलेंडर लगाया, आइए दिखाता हूँ मैं। नॉर्मली आप देखेंगे ब्रीजा में 12 kg का सिलेंडर मैं ज़्यादातर लगाता हूँ। इनके भी जो पहले सिलेंडर लगा था 12 kg का लगा था, लेकिन वो पुराना सिलेंडर लगा था, अनअप्रूव था वो। अब इसमें आज मैं नया सिलेंडर, नई किट लगा के दिया हूँ मैं। इसमें 14 kg का सिलेंडर लगाया। देखो 14 kg में क्या है कि आपकी आधी पौन एक किलो गैस आ जाती है, थोड़ा सा स्पेस ख़त्म हो जाता है। अगर ये 12 kg का होता तो थोड़ा अंदर होता है, सामान रखने में थोड़ा सा जगह आपको और मिलता है। इसमें जो स्टैंड लगाया हमने आपका, मोल्डेड ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड है रबर ग्रिप के साथ, एंड दिस इज़ बोल्टेड विद TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट। ये एक बार फिक्स हो जाएगा, लूज़ नहीं होगा। और डक्ट एक बार फिट करूँगा लीकेज चेक होने के बाद। मैं सभी गाड़ियों में डक्टिंग करता हूँ सेफ्टी के लिए, ताकि कभी एक्सेस गैस आए तो यहाँ से लीक होता है तो वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा। और जो नट बोल्ट है, मैं एक बार स्टैंड की क्वालिटी मैं दिखाता हूँ, मैं 2 मिनट लगेगा। ये स्टैंड है आपका, ये ब्रॉडर शीट में आपका जो है मोल्डेड पाइप स्टैंड है, और ये जो नट बोल्ट है TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है। ये एक बार फिक्स हो गया, कभी लाइफ में लूज़ नहीं होगा। और ये स्टैंड सारा मोल्डेड पाइप स्टैंड है रबर ग्रिप के साथ, दिस इज़ द क्वालिटी। चलो अब चलते हैं एक बार CNG पंप, CNG डलवाते हैं और इसकी सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं।
इनकी पहली जो मैंने अनअप्रूव किट लगाया था वो कैसी चल रही है, और अब जो हमने सिक्वेंशियल मतलब अपनी इंडस्ट्री का सबसे टॉप का किट लगाया और डायनेमिक एडवांसर के साथ लगाया, और ये कैसी चल रही है, आइए। सो दिस इज़ मारुति ब्रीज़ा, और जो किट लगाया इसमें लवेटो COBD 2 विथ डायनेमिक एडवांसर। अच्छा, कुछ टाइम पहले मतलब लॉकडाउन के टाइम था या लॉकडाउन से बाद की बात है? बाद की बात है। इनकी गाड़ी में मैंने अनअप्रूव किट लगाया था, मैंने गैस्टेक किट ली और ओल्ड सिलेंडर के साथ, ताकि इनकी रनिंग ज़्यादा था तो मैंने कहा ये किट लगा लो, सस्ते में पड़ेगी और फिर जब अप्रूवल आएगा तो किट चेंज कर देंगे। तो आज ये किट उतार के और लवेटो COBD 2 लगाया हूँ मैं। एक बार भैया से पूछते हैं पहले की चाल और अब के चाल में क्या फ़र्क है भैया? बहुत अच्छा, पहले से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पिकअप काफ़ी इम्प्रूव। हाँ, बहुत ज़्यादा। और पहले की फिटिंग पता ही नहीं लग रहा है, पेट्रोल में CNG में कोई फ़र्क ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कुछ हमने इम्प्रूवमेंट किया है पहले की फिटिंग और आपकी फिटिंग में, उसमें भी काफ़ी फ़र्क आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो किट लगी हुई थी वो कैसी थी और आप जो लगी है वो कैसी है? नहीं, बेटर, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। चलो, थैंक यू, रियली अल्टीमेट है भाई। और एक बात है, जितनी चलाएंगे ना उतना मज़ा आएगा, जितनी चलाएंगे, क्योंकि पहले और अब अभी तो हमने दो तीन किलोमीटर चलाया, जितनी चलाएंगे उतना मज़ा आएगा। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।